ओके, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में। तो जो जो योजनाएं यहाँ चल रही है भारत में, जो पुराने योजनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो करेंट स्कीम्स चल रहा है गवर्नमेंट का उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्लास है ये दो पार्ट में है, आज का एक पहला पार्ट है, एक और क्लास होगी इसकी कल की जो क्लास होगी वो। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको आवाज आ रही होगी, क्लियरली सुनाई दे रहा होगा सबको। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम स्वर्ण बेसिकली जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है NRLM के नाम से जाना जाता है इसको। एक सेकेंड, पहला है यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसको पहले करते हैं, देन उसके बाद में NRLM को देखेंगे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है SGSY करके भी कई बार जो है शॉर्ट में लिखा रहता है, तो ये जो योजना है वो 1 अप्रैल 1999 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो पहला चीज है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2001 में। अब इसका जो टारगेट है या इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है providing assistance to the rural poor people for self-employment and bringing each family above the poverty line. तो poverty line से जो है ऊपर लाने के लिए 3 साल का इसमें target रखा गया था कि जो भी गरीब जनता है या गरीब परिवार है उनको 3 वर्ष के समय के बाद में जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाने के target से जो है इस स्कीम को जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, तीन वर्षों के अंदर जो भी बिलो पावर्टी लाइन है या जो भी जो है बीपीएल परिवार है उस बीपीएल परिवार को जो है 3 वर्षों के अंदर उनको गरीबी रेखा से या बीपीएल से जो है उनको ऊपर लाना। ठीक है, तो जो है इस तरह से आप बोल सकते हो कि बीपीएल परिवार को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका टारगेट है। आपसे क्वेश्चन पहला ही पूछ सकता है कि ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1 अप्रैल 1999 को आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1999 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो इस योजना का जो कंट्रीब्यूशन था वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, तो सेंट्रल का जो कंट्रीब्यूशन था वो 80% था और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 20% का कंट्रीब्यूशन था। तो ये भी कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनका जो अंशदान है वो अंशदान कैसा है, तो केंद्र सरकार का 80% का अंशदान है, मतलब कि जो भी खर्चा होगा उसमें केंद्र सरकार वहन करेगा 80%, 20% वहन करेगा राज्य सरकार। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंशदान कितना था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो 80-20 का जो है अंशदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, अंशदान था। एक बात याद रखना है कि बेसिकली आज की डेट में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को एबोलिश कर दिया गया है, इसको अब खत्म कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे, अच्छा उस टाइम में जब ये योजना शुरू हुआ था तब भी जो है बहुत सारी योजनाओं को मिला करके एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया था। ठीक है, उस टाइम में बहुत सारे जो है कुआं योजना चलता था, मतलब कुआं खोदने वाला 10 लाख कुआं योजना बोलते थे उसको, एक गंगा कल्याण योजना होता था, IRDP होता था, तो ये तमाम तरह के अलग अलग रोजगार योजनाओं को या अलग अलग योजनाओं को जोड़ करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया था और वर्तमान में जो है इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को भी एबोलिश कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और इसके बदले में दूसरा योजना जो है लॉन्च किया गया, उस योजना को अभी हम देखेंगे। इस योजना को बंद करने के बाद में जो इसके जगह पे रिप्लेस किया गया उस योजना का नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम NRLM के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2013 को, तो जिस दिन शुरू हुआ था 1999 में ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसी दिन 2013 में जो है एक नया योजना शुरू किया गया और इस योजना का नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो 1 अप्रैल 2013 को जो है इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ये इंक्रीज किया गया, इस मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो रखा गया या इसका जो उद्देश्य था वो था टू इंक्रीज द फैमिली इनकम ऑफ पुअर विलेजर्स, रिमूव पॉवर्टी एंड कनेक्ट देम विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। आप देखोगे कि सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए जो है इसको रिप्लेस करके जो है नया लाया गया। अब उस टाइम में क्या है, 3 साल का टारगेट रखा गया था गरीबी रेखा से ऊपर लाने का। तो यहाँ पर एक चीज आप देखोगे कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है बात कही गई है, ठीक है। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है या बीपीएल परिवार है, इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाना। अब मुख्य धारा में शामिल करने का मतलब यह है कि गरीबी को, उनके स्किल्स वगैरह को, अनस्किल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को दूर करना, ठीक है। उनको मुख्य धारा में जोड़ने का मतलब यह है कि उनको सूचना देना, एजुकेशन में उनको कनेक्ट करना, या फिर उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, चाहे सड़कों के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम से हो। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है इसमें जोड़ा गया। तो मुख्य धारा में शामिल करने में ढेर सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ बीपीएल से ऊपर उठाना ही नहीं है, बल्कि मुख्य धारा में शामिल करने का मतलब है उनको एजुकेशनली भी उनको वो करना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है, उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करना है, या फिर उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये तमाम चीजों को जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो है शामिल किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किसको रिप्लेस किया? तो याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इसने रिप्लेस किया। कब रिप्लेस किया? तो 1 अप्रैल 2013 को रिप्लेस किया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। और इसमें जो है मेन एक जो डिफरेंस है वो है कि उसमें 3 साल का टारगेट रखा गया था बीपीएल परिवारों को ऊपर लाने का गरीबी रेखा से। यहाँ पे जो है बीपीएल परिवार को मुख्य धारा में या मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री में जो है इसको कनेक्ट करने का बात कही गई है। एक और खास बात याद रखना है, इसके बेनिफिशियरीज में जो है बीपीएल परिवार ही आएंगे, मतलब बीपीएल को एपीएल में पहुंचाना या उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना। तो बेनिफिशियरी या जो लाभार्थी हैं कौन लाभ उठा सकते हैं इसके? रूरल पीपल, गाँव के पीपल, और जो बीपीएल को बिलोंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसके लाभार्थी कौन है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है। तीसरा है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है। उसमें कंट्रीब्यूशन था 80-20 का, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन है स्टेट का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 75-25 का रेशियो है। तो मुख्य इसका इनका जो अंशदान है, खर्चा जो है वो सेंट्रल या केंद्र का 75% और राज्य का 25% है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। स्पेशल फैक्ट्स में अगर एक चीज याद रखोगे तो खास तौर पे याद रखना है कि इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक से जो है सहायता प्राप्त किया हुआ एक योजना है ये, ठीक है। तो ये योजना जो है स्पेशली इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त या फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, आर्थिक रूप से सहायता किस योजना को दिया जा रहा है। तो ये उनमें से एक योजना है और ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए, वर्ल्ड बैंक से इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट या आर्थिक रूप से सहायता इस प्रोग्राम को दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इतनी बातें आपको इसमें से याद रखनी है। एक सेकेंड यार, लैपटॉप का चार्जर मैं ढूंढूं कहाँ पे है। चलो नेक्स्ट है यहां पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। तो मनरेगा के बारे में कई चीजें पूछ सकता है इस, हालांकि अपने आप में एक अधिनियम है, एक एक्ट है, तो इसके ढेर सारे धारा नियम कानून सब चीज है, लेकिन हमारे एग्जाम में उतना कुछ नहीं पूछेगा। तो हमें इतना डिटेल में जो है यहाँ पर नहीं जाना है, तो हमको इसके बेसिक चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका जो है क्या नाम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसको कहा जाता है, या इसको मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कब इसको लॉन्च किया गया? तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 2008 में, 1 अप्रैल 2008 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम में एक एक्ट बना था जिसको मनरेगा एक्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मनरेगा एक्ट 2008 के नाम से ये जाना जाता है। तो इस अधिनियम के तहत जो है, सॉरी 2005 के नाम से जाना जाता है, हालांकि ये जो एक्ट है वो लागू हुआ था 2008 में, लेकिन इसको एक्ट को 2005 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, अंडर मनरेगा एक्ट 2005। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मनरेगा कौन से एक्ट के तहत जो है संचालित है। तो मनरेगा एक्ट, या फिर पूरा होगा तो ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके या गारंटी एक्ट करके जो है पूछेगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में फॉर्म ही है, मतलब फुल फॉर्म ही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी से मनरेगा बना हुआ है। तो अलग से एक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जनरली जो है मनरेगा एक्ट ऐसा बोलते हैं। तो ये मनरेगा एक्ट 2005 के तहत जो है इसको 1 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया गया। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या उद्देश्य है इसका, तो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द लाइवलीहुड ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जितने भी जिले हैं इस पूरे मतलब भारत के, उसमें जो है लाइवलीहुड को या इनके आजीविका को, मतलब कि परिवारों के या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार हैं उनके आजीविका को सिक्योर करना, ये इनका टारगेट है। देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले फैमिलीज हैं उनके आजीविका के लिए या उनके रोजगार को एक तरह से सुरक्षित करना, कि उनको रोजगार जो है उनको मिलता रहे, इस उद्देश्य के साथ जो है इसको शुरू किया गया था। कंट्रीब्यूशन क्या है, 80-20 का कंट्रीब्यूशन है। स्टेट का जो है 20% है, सेंट्रल का जो है 80% का यहाँ पे अंशदान में इनका रोजगार है। द एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसमें याद रखना है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है बोलता है, तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो बोल रहा है उसका मतलब ये है कि अगर हम वो काम करने के इच्छुक हैं तो 100 दिन का रोजगार जो है उनको एक फाइनेंशियल ईयर में जो है दिया जाएगा, एक जो वित्तीय वर्ष है उसमें 100 दिन का रोजगार जो है उनको दिया जा सकेगा। एक मिनट वेट करना यार, कुछ इमरजेंसी है।
रही ना सबको? चलो ठीक है ठीक है, सॉरी, घर से काम करने में यही होता है। तो चलो, हाँ, हम बात कर रहे थे मनरेगा के बारे में। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, 80-20% का जो है यहाँ पे इनकी अंशदान है। अगर हम बात करें, द एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी रूरल हाउस होल्ड हो, जो भी मतलब कि ऐसे मेंबर्स हैं किसी भी घर के, किसी भी परिवार के, मतलब ग्रामीण एरिया के, अगर वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा एटलीस्ट जो है 100 दिन की गारंटी दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग स्टेट का अपना अपना रूल भी है। कई स्टेट जो है इसमें एक्स्ट्रा जो है डेज जो है इसमें काउंट करते हैं। जैसे मैं हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में जो है 100 दिन के बजाय जो है लगभग जो है 200 दिनों का जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है दिया जाता है। ठीक है, तो उसका भी एक कंडीशन है, जैसे 2013-14 से यहाँ पर जो है 100 दिन को बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है राज्य शासन जो है 50 दिन का जो एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है उसको राज्य शासन जो है उसका वहन करेगा, जो भी उसमें खर्चा आएगा उसको। इसके अलावा अगर मान लो कहीं पे सूखा वगैरह पड़ गया, तो वहां 50 दिन एक्स्ट्रा जो है वहां पर जो है ये दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 200 दिनों का भी जो है गारंटी दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वो डिपेंड करता है और वेरी करता है अलग अलग स्टेट के उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि मनरेगा एक्ट में बेसिकली मिनिमम जो है या एटलीस्ट 100 दिनों का जो है काम उसमें दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि 30 दिनों के अंदर में मान लो कि अगर किसी भी तरह से रोजगार नहीं मिलता है, एक तो ये है कि जब भी कोई भी वो करेगा, रजिस्टर करेगा अपना नाम कि वो काम करना चाहता है, तो उसको 15 दिनों के अंदर में उसको ये काम मिल जाएगा। अगर बाई चांस उसको ये काम नहीं मिलता है तो उसको भत्ता दिया जाएगा, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता या बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। तो बेरोजगारी भत्ता पहले तो 30 दिनों के लिए जो है जो भी उसका न्यूनतम या जो मिनिमम जो उसका वो होगा मजदूरी होगा उसका 1/4 दिया जाएगा, और बाद में उसके बाद में 30 दिन के बाद में भी उसको काम नहीं मिलता है तो उसको आधा दर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कहीं पर 200 रुपया है एक दिन का, तो 100 रुपया दिया जाएगा बिना काम किए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयमेंट, तो उसको जो है आधा मजदूरी दिया जाएगा, अगर 30 दिनों के अंदर में भी नहीं दिया जाता है तो। तो ये जो है कुछ नियम है, हालांकि इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, तो आपको बस समझने वाली बात ये है कि ये जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, कब लॉन्च हुआ है ना, कंट्रीब्यूशन क्या है सेंट्रल और स्टेट का। अब इसमें जो है कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का मिनिमम काम जो है दिया जाएगा। दूसरा है कि जैसे ही कोई रजिस्टर करेगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में within 15 days जो है काम देना पड़ेगा उसको, 15 days के अंदर जो है काम दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, 15 दिन के अंदर में अगर काम नहीं मिलता है तो उसको जो है 1/4 जो है उसको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो, यदि काम ना मिले। ठीक, तो first 30 days के लिए, पहले 30 days के लिए जो है 1/4 जो है दिया जाएगा, उसके बावजूद अगर नहीं मिलता है तो हाफ सैलरी दिया जाएगा अलग से, जो है उसके 30 दिन में अंदर में नहीं होगा तो उसके हाफ सैलरी कर दिया जाएगा उसके बावजूद अगर करते हैं तो। ठीक है, तो रूल क्या है यहाँ पे, 15 दिन में काम दिया जाना है, नहीं दिया जाता है तो 1 महीने के लिए 1/4 सैलरी दिया जाएगा, उसके बावजूद काम नहीं मिलता है तो आधा मजदूरी जो है उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है इसको डेज जो है आपको दिया जाएगा 100 days, उसके बावजूद भी कुछ गवर्नमेंट जो है, कुछ राज्य सरकार ज्यादा देता है। अगर हम रेट की बात करें तो जनरली जो है ये 2019-20 की भी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग जो है 176 रुपये था, हालांकि अलग अलग स्टेट में ये भी वैरी करता है,
लेकिन लगभग लगभग 200 रुपये से ज्यादा ही है हर जगह अगर हम देखें तो। और इसमें काम किया जाएगा जैसे कि ग्राम के सड़क वगैरह बनना है, सिंचाई कार्य है, या वृक्षारोपण करना है, या फिर मान लो गौशाला बनाने का काम अभी हो रहा है, किसी भी तरह का जो बागवानी वगैरह होना है, या कुआं का खुदाई है, या तालाब निर्माण वगैरह है, ये सब जो है इसमें जो है आता है। ठीक है, देन उसके बाद में अभी हम बात करें तो गोवा है जहां पे सबसे ज्यादा जो है ये मजदूरी दिया जा रहा है, और एक है हरियाणा, हरियाणा में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। हरियाणा में अभी लगभग लगभग 350 से क्रॉस हो गया है, 357 रुपये पर डे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है केरल है जहां पे लगभग 333 रुपये पर डे दिया जा रहा है, और गोवा में 322 रुपये है, तो गोवा को थर्ड में रखें। सर ट्रैफिक सिग्नल्स व्हीकल मोटर एक्ट इमिशन स्टैंडर्ड का, देखो दोस्त ये आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है तो उसके लिए आप टेक्निकल वाले जो सर हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। इसमें जो भी क्लासेस होंगी वो सिर्फ नॉन टेक्निकल वाला है, और नॉन टेक्निकल में अगर आप पहला क्लास नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाऊंगा। तो पहला क्लास आप पहले देख लो मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर सन 2000 को। ये कौन सा दिवस होता है? 25 दिसंबर एक्चुअली में जो है प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जन्म दिवस है। ठीक है, तो XPM प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन जो है ये शुरू हुआ। अब आपसे मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन कौन से योजना शुरू की गई। ठीक, तो इसको याद रखना है 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया था। उस टाइम में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ही, है ना। तो कई बार ऐसा करके पूछ देता है, लेकिन याद रखना है कि और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन ये योजना खास तौर पे पूछता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मान लो कहीं पर भी 250 लोगों से ज्यादा लोगों की जो है वहां पे पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 250 लोग जहां पर भी हैं, मतलब कि जैसे मान लो ट्राइबल एरिया है, या फिर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के अंदर में, एक्शन प्लान के अंदर में जो है इसको डिस्ट्रिक्ट को काउंट किया जाता है। तो यहां पर देखो ट्राइबल एरिया वाले मान लो यहाँ पर है 250 लोग, या नॉर्मल एरिया है जहां पर जनरल एरिया कोई भी सामान्य एरिया है वहां 500 लोगों से अधिक लोग अगर निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र में जो है ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो कि 12 मासी सड़कें कहलाती है, ऑल वेदर रोड्स कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं 12 मासी सड़कें। तो 12 मासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा किस क्षेत्र में? जहां 500 लोगों से ज्यादा लोग निवास करते हैं, अगर वो एरिया ST एरिया या आदिवासी एरिया नहीं है तो। लेकिन अगर मान लो वो आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां सिर्फ 250 लोग ही मिनिमम रहेंगे, तब भी जो है 12 मासी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है बहुत फेमस एक स्कीम चला है ना, चल रहा है। तो इसका जो है लॉन्च हुआ है 22 जनवरी सन 2015 को। तो एक तो ये डेट याद रखना है, बहुत जरूरी है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है शुरू किया गया। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसको चालू किया गया। तो एक तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको बोला जाता है।
तीसरा है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, जिसको हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इन तीन मंत्रालयों की जो है एक ज्वाइंट जो है यहाँ पर इनिशिएटिव है ये। तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैसा इनिशिएटिव के अंदर में आता है, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, एक जो है बोल सकते हो आप संयुक्त पहल है तीन मंत्रालयों का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये पहला चीज है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ ये शुरू हुआ था, प्रिवेंटिंग सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इन्वॉल्विंग सेक्स बायस। तो मान लो किसी भी तरह से एक सेक्स बायस होता है, लड़का होना चाहिए लड़की नहीं होना चाहिए, अगर इस टाइप के एक तरह से बोलना चाहिए पूर्वाग्रह है और उसके थ्रू जो है गर्भपात करवाया जा रहा है, अबॉर्शन करवाया जा रहा है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इसको बोलते हैं या लिंग चयनात्मक गर्भपात कहा जाता है। तो इसके तहत अगर किसी भी तरह से ऐसा गर्भपात होता है जो कि सेक्स सेलेक्टिव है या सेक्स बायस है, तो उसको जो है प्रिवेंट करना पहला इसका उद्देश्य है। इसके अलावा टू सेव द सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो बोलना चाहिए शिशु है, बालिका शिशु है या छोटी लड़कियां जो शिशु हैं, उनके सेफ्टी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सिक्योरिटी को जो है सुनिश्चित करना जो है इसका सेकेंड जो है ऑब्जेक्टिव है। इंश्योरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो भी बालिका शिशु है उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करना या सिक्योर करना भी इसका एक टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, एक तो फीमेल फिटस जिसको हम कन्या भ्रूण कहते हैं, जिसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा कन्या भ्रूण की, मतलब कि जब बच्चा पेट में ही है तभी उसको मार दिया जाता है, तो अबॉर्शन मतलब ऐसे बच्चे जो कि फीमेल फेटिस है या जिसको हम कन्या भ्रूण कहते हैं, तो उसका एक उसको एक फायदा होगा कि उसकी हत्या नहीं होगी। न्यू बॉर्न गर्ल, जो नया बच्चा जन्म लिया है, नवजात कन्या है, उसका जो है सिक्योरिटी होगा या वो जो है इसके लाभार्थी होगी नवजात कन्या, और जो बालिका शिशु है या जो बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई है वो इसमें जो है बेनिफिशियरीज होगा। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें इसीलिए जो है सारे मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर में ही आपके एजुकेशन सेक्शन आएगा, इसके स्वास्थ्य मतलब कि गर्भपात वगैरह को रोकने के लिए जो है यहाँ पर कन्या भ्रूण को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होगी, उसके एजुकेशन के लिए, उसके पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे महिला बाल विकास और उसके रक्षा को मतलब उसके जितने भी अधिकार हैं उनके रक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनिशिएटिव लेगा। तो इस तरीके से तीन मंत्रालय का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, डेट याद रखना है 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी योजना से एक रिलेटेड योजना है जिसको हम बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब क्या होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक सिर्फ एक इनिशिएटिव है कि उसमें जो है अलग अलग मंत्रालय कोशिश करेगी गर्भपात वगैरह को रोकने का, उसे एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल पे जाकर अगर किसी भी चीज को प्रैक्टिकली अगर देखना है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया, ये भी उसी दिन हुआ 22 जनवरी 2015 को। एक तरह से बोल सकते हो कि ये एक तरह का एक्सटेंशन है, मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक एक्सटेंशन है। उसका एम क्या है, टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स इन द कंट्री, देश में बेटियों के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करना ही इसका क्या है, इसका मेन जो है एम्बिशन है, मेन इसका टारगेट है। समझ में आ गया, टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स इन द कंट्री। स्पेशल फैक्ट्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है एक बैंक खाता है, एक बैंक अकाउंट जो है खोला जाएगा बेटी के नाम से, और इसमें जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा 9.2% का इंटरेस्ट रेट जो है इसमें मिलेगा, इसमें ब्याज की दर जो है सबसे हाईएस्ट होगा 9.2% का। इसमें जो शुरुआती जो जमा होना होता है वो 1000 से अकाउंट जो है शुरुआत किया जाता है और 1000 जो है जमा राशि जो है किया जाता है, मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक जो है इसमें जमा किया जाता है। दिस गिव्स एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स से जो है छूट मिलेगा, इसमें टैक्स जो है छूट होगा, इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा इस अकाउंट पे। द मैच्योरिटी ऑफ दिस अकाउंट इज 21 ईयर और द डेट ऑफ मैरिज, मान लो किसी लड़की का शादी होता है तो वो डेट जो है मैच्योरिटी बताया गया, अकाउंट अब मैच्योर हो गया है और उस पैसे को जो है अब उसको जो है
निकाला जा सकता है, ठीक है, या फिर अगर वो 21 साल की हो गई है तो जो है इसको मेच्योर माना जाएगा और इस अकाउंट के पैसे को निकाला जा सकेगा, ठीक है। इसमें जो इनिशियल है और मैक्सिमम जो डिपॉजिटिव अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपया है। तो याद रखना है, जैसे ही बेटी पैदा होगी तो उसके नाम पे जो है एक वो खोला जाएगा, बैंक अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें हर महीने 1,000 रुपये डाला जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख तक रुपए डाला जाएगा। उसमें 9.2% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जब वो 21 साल की होगी या उसके शादी जब होगा तब उसको मेच्योर माना जाएगा और वहां से अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट पूछ सकता है, इसमें इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट को भी पूछ सकता है, मेच्योरिटी कब होगा ये भी पूछ सकता है। तो 21 साल को याद रखना है, कई बार 18 साल हमें लगता है लेकिन यहाँ पे 21 साल का जो है इसको वो किया गया है। जिस दिन खाता खोला जाएगा तब से लेकर के 21 साल कंप्लीट होना पड़ेगा, तभी जो है वो जो खाता है वो मेच्योर होगा और पैसा को निकाला जा सकता है, उसके पहले नहीं, ठीक है। चलो, और एक चीज ये भी पूछता है कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किसका एक्सटेंशन है। तो याद रखना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक एक्सटेंशन है, उसी योजना का विस्तार माना जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, तो देखो इसको जो है हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी 2021 में इसको 2.0 कहा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको फिर से इसको रीलॉन्च किया, समझो, है ना। तो इसमें जो है पहले तो याद रखना है कि बलिया उत्तर प्रदेश से जो है इसको 1 मई 2016 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो कई बार ये एग्जाम में पूछता है ना, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, और उस टाइम में जब लॉन्च हुआ था तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। तो याद रखना है, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था, उस टाइम के जो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, उनके द्वारा। ठीक, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है उस टाइम में जो है बोलना चाहिए कि जो मंत्रालय है उसके अंदर में आते थे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में जो है एक मंत्रालय होता है यार, जिसका नाम है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको MoPNG कहा जाता है। तो इस मंत्र ये मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक मई 2016 कहां से शुरू हुआ, तो बलिया उत्तर प्रदेश से जो है ये शुरू हुआ। तीसरा है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया। मिनिस्टर कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG अवेलेबल टू द रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड। जो भी जो है उस टाइम के जो बोलना चाहिए कि LPG अवेलेबल कराना, और खास तौर पे जो है शुद्ध कुकिंग फ्यूल अवेलेबल कराना, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं। तो LPG कहाँ पे अवेलेबल कराना, रूरल एरिया, और जो भी जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जो महिलाएं हैं या जो घरेलू परिवार है उनको जो है ये प्रोवाइड करना, ठीक है। विच वेयर अदरवाइज यूजिंग ट्रेडिशनल कुकिंग, जो कि जनरली फायरवुड को, कोयला को या काउ डंग को जो है यूज करते हैं एक ट्रेडिशनल कुकिंग कुकिंग के लिए, जिससे श्वास संबंधी रोग हो सकता है, आंखों से रिलेटेड रोग हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो है महिलाओं को एक तरह से इन चीजों को बचाने के लिए जो है LPG अवेलेबल कराने के टारगेट से जो है ये प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो है शुरू किया गया, ठीक है। अशुद्ध ईंधन को शुद्ध ईंधन में कन्वर्ट करना। एक चीज और याद रखना है इसमें, ये 2021 से इसको 2.0 के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के नाम से जाना जाता है। इसके पहले इसको सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
इसमें बहुत सारे हालांकि क्राइटेरिया है कि पहले तो उसको 18 साल की एज कंप्लीट करना चाहिए जो भी महिला होगी उसको। इसके अलावा मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, जैसे कि केवाईसी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, खास करके IFSC नंबर के साथ में। तो ये तमाम चीजें का इसमें कंडीशन है, लेकिन इतना डिटेल आपको नहीं जाना है। हाँ, एक चीज और याद रख सकते हो आप यहाँ पे, इसका जो कवरेज है आज के डेट में, जो पूरे देश में कवरेज है, वो लगभग 62% का जो है कवरेज माना जाता है। सॉरी, 62% का कवरेज था जब ये शुरू हुआ था 1 मई 2016 को, और वर्तमान में इसका जो कवरेज है वो इंक्रीज होकर 99.8% का कवरेज हो गया है, अगर हम इसको 1 अप्रैल के डेटा के हिसाब से इसको मैच करें, 1 अप्रैल 2021, जिस दिन जो है ये रीलॉन्च हुआ है तब तक। तो आपसे अगर पूछे कि वर्तमान में इसका कवरेज क्या है, तो 99.8%, जब शुरू हुआ था तो कवरेज क्या था, 62% के जो है साथ में ये कवरेज हुआ था। इसको रीलॉन्च किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको रीलॉन्च किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो वय वंदना योजना जो है 2017 से चल रहा है, खास तौर पे जो ओल्ड एज ग्रुप है उनके लिए है, एक तरह का पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो 21 जुलाई 2017 से इसको जो है लॉन्च किया गया, 21 जुलाई 2017 को। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, बेसिकली जो है एक तरह का सामाजिक सुरक्षा देना इसका मेन जो है टारगेट रहा है। खास तौर पर क्या होता है कि जो पुराने या जो ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनमें बाजार की स्थितियों के कारण उनमें उनके ब्याज को लेकर के गिरावट बार बार आती है। अगर उनके कोई भी पैसा जो है या कोई उनका पेंशन वगैरह है वो अगर बैंक में जमा है, तो उसमें बहुत सारे जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, इनकम में जो भी डिक्लाइन होता है उसकी वजह से जो है उनकी स्थिति हमेशा एक खतरे में रहता है, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो उसी चीज को जो है सिक्योर करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये लागू किया गया, या योजना जो है स्टार्ट किया गया है। इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे, 60 साल से ऊपर के लोग, 60 ईयर से या उससे अधिक के जो बुजुर्ग होंगे उनको जो है ये चीज जो है बेनिफिशियरी के तौर पर, लाभार्थी के रूप में मिलेगा। इनको जो है एक तरह से बोल सकते हो कि 10 सालों के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, कंट्रीब्यूशन किसका है या किसके द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, LIC के द्वारा, है ना। तो थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई थिंक ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में जब हम उस टाइम में पढ़ रहे थे जुलाई 2022 का, उसमें ये चीज आया हुआ था। तो याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको इनिशिएटिव को जो है स्टार्ट किया गया है, या चल रहा है, इनके द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जा रहा है। सो खास बात क्या है इसमें, इट विल प्रोवाइड एन इंश्योर्ड पेंशन बेस्ड ऑन गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए जो है 8% के रिटर्न रेट में जो है एक पेंशन स्कीम है ये, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा 60 साल के ऊपर के लोगों को। तो इसमें याद रखना है कि जो गारंटीड रेट है कि वो क्या है, 8% फॉर 10 ईयर्स। इस जो रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है ये पेंशन स्कीम शुरू किया गया है। तो हालांकि इसको त्रैमासिक के लिए भी हो सकता है, अर्धवार्षिक के लिए भी हो सकता है, या वार्षिक के लिए भी ये पेंशन विकल्प चुनने का एक ऑप्शन दिया जाता है LIC के द्वारा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 60 साल के ऊपर में है, वो इनमें से कोई भी स्कीम चूज कर सकता है 10 सालों के लिए, है ना, और उसको 8% का गारंटी एक इंटरेस्ट रेट उसको हर हर महीने जो है मिलेगा। तो ये पेंशन टाइप का स्कीम है एक। लास्ट है आज के लिए, ये है आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत आता है, और इसी में है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, PM जय योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है बेसिकली जो हमारे स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उससे रिलेटेड है, और खास करके जो BPL परिवार है उनको 5 लाख तक रुपया का जो है ये एक तरह का सिक्योरिटी देता है हेल्थ के लिए, ये हेल्थ बेनिफिशियल जो है देता है। लॉन्च किया गया है इसको 23 सितंबर 2018 को। कहां से लॉन्च किया गया, तो रांची झारखंड से इसको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया।
ठीक है, तो किसके द्वारा, मतलब कौन से मिनिस्ट्री में ये आता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तुम कहने का मतलब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। इट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया गया है, मतलब केंद्र की योजना है, लेकिन इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है इसमें योगदान है, या उनके द्वारा भी फंडेड इसको किया जाता है। तो हर स्टेट आयुष्मान भारत के साथ में अपना जो एक नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी मिशन के अंदर जो भी योजना है उसको इसमें मर्ज करती है, ठीक है। सो इट इज ज्वाइंटली फंडेड बाई बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट का भी अपना योगदान है, यूनियन गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान है, लेकिन आपसे बोले तो याद रखना है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम माना जाता है आयुष्मान भारत को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। भारत में या देश में जो है एक तरह से बोल सकते हो कि जो इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ठीक है। स्वास्थ्य के जो बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको या ढांचा को जो है मजबूत करना जो है इसका मेन, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। खास तौर पे जो है इसमें बीपीएल परिवारों को जो है इसमें बहुत सारा जो है फायदा मिलता है, जैसे कि प्रोवाइडिंग अ कवर ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। तो इसमें ध्यान रखना है एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ कवर इसमें या मेडिकल ट्रीटमेंट कवर इसमें दिया जाएगा। और अगर एपीएल परिवार है तो एपीएल परिवार के लिए जो है 50,000 तक का कवर भी दिया गया है। तो एक ऐसी योजना है जिसमें सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, इनके लिए 50,000 का जो है कवर रखा गया है पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, तो और भी इसमें ढेर सारी चीजें हैं, अलग अलग बीमारियों को इसमें रखा गया है, और कई बीमारियां इसमें इससे बाहर भी हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे जो ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह है वो इस चीज से बाहर है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो है इसका सिक्योरिटी इसमें दिया जाता है या फायदा मिलता है। तो लॉन्च कब किया गया, याद रखना है कहाँ से किया गया, तो रांची झारखंड से। किस मंत्रालय का योजना है, तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है ना। अगर हम बात करें इसमें कितना कवर मिलता है, ये बार बार पूछता है, तो 5 लाख रुपया एपीएल परिवार, सॉरी बीपीएल परिवार, और एपीएल परिवार को 50,000 रुपया पर फैमिली पर ईयर जो है कवर इसमें मिलता है, हेल्थ ट्रीटमेंट कवर इसमें मिलता है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, और हम कल के क्लास में इसका बाकी वाला सेक्शन देखेंगे। तो एक क्लास और इसका होगा स्कीम का, उसके बाद में हम लोग जो है मैथ्स का जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसको कर देंगे बुधवार गुरुवार 2-3 दिन तक, ठीक है। एक फैमिली में 1 साल में एक ही लोग, देखो यार वो इंसान कोई भी हो सकता है, या तो एक इंसान पे ही 5 लाख रुपया खर्चा आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज 4 लोग हैं, 5 लोग हैं फैमिली में, अगर किसी ने मान लो कि 1 साल में मान लो कि उसने 50,000 रुपया उसके खर्च हुआ, दूसरा फैमिली है उसी मेंबर का, उसके में 50,000 रुपया खर्च हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ पे पर्सन नहीं है बल्कि पर फैमिली है। एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का टोटल कवर मिलेगा, तो 1 साल में पूरे परिवार को मिला करके 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ बेनिफिट वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फैमिली का पर्सन की बात नहीं है, ओवरऑल फैमिली है, एक परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और एपीएल में एक परिवार को 50,000 रुपए तक का इसमें हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मान लो किसी एक व्यक्ति परिवार में कोई बीमार पड़ गया और उसके एक ही व्यक्ति के इलाज में 5 लाख रुपए लग गया, तो अब बाकी परिवार को नहीं मिलेगा, है ना। चलो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं कल के क्लास में, अभी के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल वाला पीडीएफ शायद बचा हुआ था, या नहीं मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप लोग का स्टैटिक जीके का जो हुआ था उसको आज का पीडीएफ मैं शाम तक अपलोड कर देता हूँ।